हेलो दोस्तों, मैं रूबी आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करना तो आप सभी भूल जाते हैं। तो आप सभी के कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि मानती हूँ कि कुछ कमेंट ऐसे वैसे आते हैं, पर बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और हमें मोटिवेट करते हो आप सभी अपने कमेंट के ज़रिए। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम दोस्तों, और टाइम टाइम हो रहा होगा करीब 7 बजे का। तो वैसे तो अभी गर्मियों का टाइम आ गया है, सुबह उठ के जो है जल्दी उठना, और फिर घर का बाहर का मतलब कोई भी अंदर का काम करो या फिर बाहर का काम करो। अभी सर्दियां तो है नहीं कि चलो कोहरा है, बाहर अंधेरा है, ये वो तो अच्छा लगता है। गर्मियों में भी बाहर उठ के एकदम से धुंधला सा जब अंधेरा रहता है ना, उसी टाइम से। तो अभी तो टाइम 5 बजे का हो गया हम लोगों का फिक्स उठने का। उठने के बाद दोस्तों कल्लो रानी और छुटकी को मैंने दिया चारा, बकरी को भी हमने चारा दे दिया, घर के भी कुछ काम निपटा लिए और बाहर के भी गोबर वगैरह सारी चीज़ें फेंक दी है। पर कंडे वगैरह अभी मैंने नहीं बनाए हैं, तो झाड़ू आज लगाना था पूरा, यहाँ पूरा सड़क से ले के पूरा जहाँ तक हमारी भैंस बांधी है ना, वहाँ तक पूरा लगाना था। यहाँ तक तो दोस्तों रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि चबूतरे पे और घर के बाहर वहीं पे लगा देते हैं, पर 2-3 दिन के बाद यहाँ पे इतने गंदगी हो जाती है ना, गोबर वगैरह हो जाते हैं, कचड़े खर पतवार सारी चीज़ें इकट्ठे हो जाती हैं, तो यहाँ पे लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो बस यही पे साफ़ सफ़ाई चल रही है, अंदर की जो साफ़ सफ़ाई है वो हुई है। और आज तबीयत जो है मेरी मुझे डाउन लग रही है, पता नहीं क्यों। अभी जो है वैसे तो सुबह सुबह उठने के बाद एनर्जी रहती थी, पर आज पता नहीं क्यों अजीब सा सर में चक्कर और सर भारी सा लग रहा है। पर अभी देखते हैं नहाने के बाद शायद ठीक हो जाए। और बस झाड़ू लग चुका है दोस्तों, और उसके बाद हम आ गए थे अंदर, और ये टाइम हो रहा था नाश्ते का। तो ये था जो है बेसन दोस्तों, बेसन का मैंने बैटर बना के रख लिया था कुछ देर पहले ही, और उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा तीखा मिर्च और हल्दी पाउडर और बेसन और थोड़े से नमक। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा डाल दिया था, और इसको बना के बैटर को थोड़ा सा पहले से रखना होता है तभी ठीक रहता है। और ये रही वो पहली पूड़ियाँ बोल सकते हो आप सभी, या फिर बेसन का एकदम टेस्टी वाला नाश्ता। और ये नाश्ता जो है वो टमाटर की उल्टे हाथ से, हाँ तो दोस्तों मैं बोल रही थी कि मैं ये उल्टे हाथ से पलट रही थी, क्योंकि एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से पलट रही थी तो हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने सीधे हाथ में कैमरा लिया और सीधे हाथ में कलचल पकड़ा, तब जाके कहीं ये पलट पाए हैं। और इसको धीमी आंच पे पकाना है बिल्कुल, ये सेब अपने आप ले लेता है, बिल्कुल धीमी आंच पे रहना चाहिए ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। और देखने में कितना गजब का लग रहा है ना, अनोखा नाश्ता, एकदम झक्कास लग रहा है। और खाते टाइम इसमें थोड़ा सा इसकी खुशबू मतलब टेस्ट इसका ऐसा लगता है जैसे बेसन है ना, तो पकौड़ी से थोड़ी सी अलग लगती है, पर बहुत ही मज़ेदार रहता है। हाँ मैं बोल रही थी दोस्तों कि इसके लिए आप अपने से चटनी बना सकती हो, या फिर टमाटो केचप, इमली की चटनी, या फिर हरी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, और किसी को भी नाश्ते में दे सकते हैं। तो काफ़ी जो है मज़ेदार रही ये रेसिपी, और हम सबको बच्चों को भी पसंद आई है, मेरे साथ साथ बच्चों को भी ये बहुत पसंद आई है। अभी एको में दी तो बस बार बार मांगे जा रहा था, उनको बच्चा है ना छोटा सा, तो उनको लग रहा है कि ये पूड़ियाँ हैं। तो ये देखिए इधर मानसी, नैन्सी, सोना सब लोग हैं। तो ये बोल रही थी मम्मी मुझे एक एक चाहिए, पर मैं बहुत कम बनाई थी कि मुझे लगा था शायद मैं ही खाने वाली हूँ, इनको पसंद आए ना आए। चीज फेंकोगे तो नहीं? नहीं। पक्का ना? नहीं। हाँ नहीं। अब फेंकना नहीं अभी हम सब। क्या है ये? हाँ है। उसके बाद दोस्तों ये हो रहा था टाइम 3:30 बजे का, यानी जब भी 3:30 बजते हैं ना उसी टाइम फिर हम हमारे खेत के लिए निकलते हैं। और खेत में हमारे सहजन का एक छोटा सा पेड़ है, पिछले ही साल हमने इसको हमने नहीं सासू अम्मा ने इसको लगा दिया था। तो बस इसमें 3 से 4 टहनियाँ हैं, उतना बड़ा ये हुआ नहीं पता नहीं क्यों, जबकि यहाँ पे हरियाली रहती है, सूखा नहीं रहता है। और एक पेड़ और लगा था जो नहीं बच पाया है, क्योंकि ये खुले में है ना, तो यहाँ पे भैंस वगैरह चरने के लिए आती हैं, गाय आती हैं, बकरियाँ आती हैं,
तो फिर उनकी वजह से ख़राब हो गया था, क्योंकि भैंसें जो होती हैं ना वो पत्तों को तो खाती हैं लेकिन साथ ही साथ वो खुजली करके ना पेड़ को भी गिरा देती हैं। तो ये बच गया था और इसी में जो है थोड़ा मोड़ा हम ले लेंगे, टूट जाएगा आराम से। हाँ, सहजन। तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग खेत में हैं और ये सहजन हमारे खेत में है, तो सहन मानसी बोल रही, सहन बोलो, सहन। हाँ, उसको भी एक और है ना, उसको भी तोड़ो। तो और तोड़ अब इसमें नहीं बेटा, वो पीछे वाले में है, पीछे वाले डाल में। पकड़ा है क्या? रुको, इसको पहले रख देते हैं। अरे नहीं, अरे ये पे एकदम नरम पेड़ है, टूट जाएगा। अरे बाप रे, कपा पिछले साल का तो है ये ना, ये इतना छोटा सा है, टूट नहीं जाएगा। लो अब बस ज्यादा मत लटकाओ, नहीं इसकी टहनी टूट जाएगी। हाँ रख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इतना इतना हमने तोड़ लिया और ये हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि बच्चे इसको खाने वाले हैं नहीं, मैं अकेले खाऊंगी। खा लोगी? पक्का? पक्का। बड़ा मुश्किल है कि ये लड़की खा ले। चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, आओ चल चलते हैं, आओ चलो बेटा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने जो हरा धनिया बोया था ना देसी वाला, वो सूख चुका था। तो मैं 2-3 दिन के बाद आज खेत आई हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो जो धनिया है ना सूखा है उसको काट लेते हैं, नहीं तो फिर इसी में झड़ जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। कुछ तो निकल ही आएंगे, 100-150 या फिर 250 ग्राम के करीब तो निकल ही आएंगे देसी धनिया, और इसकी खुशबू आ रही है काटते टाइम अभी भी मुझे। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल रही थी, ये वीडियो हमारा है संडे का, नहीं सोमवार का। तो सोमवार के दिन मैंने 2 व्लॉग रिकॉर्ड किए थे, एक जिस दिन बच्चों का एडमिशन हुआ था वो, और ये वाला व्लॉग। तो वो एडमिशन वाला ब्लॉग बच्चों का पहले चला गया और ये पीछे हो गया, मतलब मुझसे एडिटिंग करने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, जो ब्लॉग पीछे जाना था वो आगे चला गया, जो आगे जाना था वो पीछे हो गया, यानी कि आज जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चे जो है दोस्तों गए थे बाल कटवाने के लिए, क्योंकि इनके बाल बड़े हो गए थे, एडमिशन के लिए जाना था, तो वही सारी तैयारियाँ चली थी। तीनों को मैंने भेजा था, माही को छोड़ के तीनों गई थी। तो बाल जो काटने वाले भैया थे ना वो ठीक से बाल कट नहीं किए, तो वही मैं थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा था कि तुम लोग कैसे बाल कटवाई, वो बोल नहीं सकती थी। सिर्फ अभी की हेयर कटिंग मुझे अच्छी लगी और उसके बाद इन दोनों का तो लग ही नहीं रहा है कि लोगों ने बाल कटवाए हैं। क्या करोगे इसको? तो दोस्तों फ्रीज में ये देखिए सब्जी रखी है, तो कद्दू फिर से आ गया है, माही बाजार गई थी ना, ये बच्ची है इसको कुछ समझ में आता नहीं है, तो कद्दू फिर से लेके आ गई थी, कद्दू खा खा के बोर हो गए हैं तो आ गया है, तो क्या करें। ये खीरा है, ये कद्दू है, दिए मैंने दही जमाए हैं, कल रख दिए थे दही, टमाटर लेके आई थी, तो फिर कद्दू आ गया है, तो कद्दू की ही सब्ज़ी बनेगी फिर से, आज थोड़ी सी बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और आज मैंने बाल भी धोए हैं, दिन है आज सोमवार का, तो बाल भी गंदे पड़े थे, तो मैंने कहा चलो बाल भी धो लेते हैं। और आज मुझे जाना है दवा के लिए, वैसे आज हमारा प्लान था बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए जाना था हमें इन सब का, लेकिन मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है काफ़ी, और ये दर्द ना मुझे पेट के हिस्से में नहीं, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जिसे बोलते हैं बेली फिट, तो इसमें प्रॉब्लम हो रही है और ये करीब 5-6 महीने से लगातार मुझे दिक्कत है। लेकिन बस मैं ऐसे ही आलस खा जा रही थी और 1-2 टेबलेट दर्द के खा के बस ठीक हो जाता था, तो फिर मैं सोचती चलो ठीक हो गया, लेकिन बार बार यही प्रॉब्लम हो रही है और आज मुझे सुबह से कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज चली जाती हूँ इसकी दवा लेने के लिए, और शहर जाना पड़ेगा दवा लेने, और धूप अभी इतनी होने लगी है बिल्कुल भी, शहर के नाम से ही मुझे आलस आने लगता है, नींद आँखों में भर जाती है, मतलब इतना लंबा रास्ता चलना पड़ता है ना कि हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी मुझे जाना है क्योंकि कहीं ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अच्छा है कि दवा करवा लेते हैं। तो बस सब्ज़ी बना लूँगी, चावल तो बन ही रहे हैं, रोटियाँ सेक लूँगी 2-4, फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी दवा लेने के लिए। तो अभी देखिए दोस्तों, हमारा जो हॉस्पिटल जाने का प्लान था ना वो भी कैंसिल हो गया है, देखते हैं क्या करते हैं। और मेरा शरीर पूरा जो है वो ऐसा हो रहा है ना कि मतलब बुखार सा मानो चढ़ रहा है और मन कर रहा है कि बस सो जाऊं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है टेबलेट और ये है दर्द की टेबलेट, इसको मैं पहले खा लूँगी।
उसके बाद दोस्तों मुझे बुखार सा आ रहा है, तो मैं खाऊंगी एक बुखार की दवा। दर्द और बुखार की एक एक टेबलेट मैंने रखी है घर में इस तरह से, ताकि इमरजेंसी में हमें कहीं जाना ना पड़े। प्रॉब्लम है दोस्तों पैसों वाली, इसलिए मैं आज मैंने कैंसिल कर दिया है। फिर किसी दिन देखते हैं, जाते हैं किसी दिन।